अमित शाह बोले, आजादी के बाद आतंकवाद पर सबसे करारा प्रहार हमारा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि उड़ी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक से यह साबित होता है कि ये 2004 से 2014 वाली सरकार नहीं, 2014 से 2019 वाली सरकार है। अब पाकिस्तान को फैसला लेना है कि वो क्या करना चाहेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को जवाब देते हुए शाह ने कहा कि पुलवामा के हमले की निंदा करने के लिए उन्हें कौन सा सबूत चाहिए। यह बात भाजपा अध्यक्ष शाह ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के 18वें संस्करण कार्यक्रम में सवालों के जवाब में कही। बीजेपी अध्यक्ष शाह ने कहा कि देश की जनता पूछना चाहती है कि 26/11 हमले का जवाब क्यों नहीं दिया गया। हमने आतंकवाद के कठोरता से डील किया है, देश की जनता चाहती है क्योंकि उनको जवाब दिया जाए ताकि वे दोबारा ऐसा करने की न सोचे। यूपी के महागठबंधन पर अमित शाह ने बताया कि यूपी के चुनाव में कांग्रेस सपा का गठबंधन हुए लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। मायावती अखिलेश यादव के साथ आने पर अमित शाह ने कहा कि गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें चुनाव बहुत बारीकी से लड़ना पड़ेगा।